फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबों को स्वागत करता हूं आज के रैपिड फायर सीरीज के एपिसोड 6 में। तो चलिए दोस्त, मैं एपिसोड 5 में आपसे एक सवाल पूछा था कि नासा के अंतरिक्ष यान ने पार्क सोलर प्रोब ने किस ग्रह पर जाकर के एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल का खोज किया था। तो उसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। एपिसोड 6 का आज का सवाल है कि असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर कौन शपथ ग्रहण लिए हैं। इसका अगर आंसर पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का एपिसोड 6 का हम पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। महमूद गजनवी आज के बारे में है कि महमूद गजनवी कौन था, इसके बारे में ध्यान से समझिए। महमूद गजनवी सुबुक्तगिन का पुत्र था। सुबुक्तगिन अल्पतगिन का दामाद एवं गुलाम हुआ करता था। सुबुक्तगिन जो था वो एक गजनी प्रदेश था, वहां पर वो एक शासक के रूप में कार्य करता था। गजनी में ही एक खुरासान जगह था जहां पर महमूद गजनी वहां का छोटा सा एक शासक हुआ करता था। सुबुक्तगिन के मरने के बाद उसका पुत्र यानी महमूद गजनवी गजनी का शासक बनता है 1998 ईस्वी में। गजनी के गद्दी पर बैठता है 1998 में। 1971 में महमूद गजनवी का जन्म होता है गजनी प्रदेश में ही। उसके बाद से बगदाद के खलीफा थे अल आदिल बिल्लाह जो बगदाद के खलीफा हुआ करते थे, उन्होंने महमूद गजनवी को एक उपाधि दिया था यमीन उद दौला का। ये दो उपाधि दिए थे। उपाधि देने के बाद ये जो सुल्तान है महमूद गजनवी, ये सबसे पहला शासक हुआ था जिसने सुल्तान की उपाधि भी लिया था। आगे चल करके भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, जो कि भारत पर कुल मिलाकर महमूद गजनवी द्वारा 17 बार आक्रमण किया गया था, जिसको हम डेट वाइज इम्पोर्टेंट जो होंगे उसको हम देख लेते ध्यान से। जैसे महमूद गजनवी कुल 17 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर। इसका सबसे पहला आक्रमण सन 1000 ईस्वी में किया गया था। सन 1001 ईस्वी में इसने पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध किया था। 1008 ईस्वी में इसने नगरकोट के विरुद्ध आक्रमण किया था। नगरकोट के विरुद्ध, इस सभी डेटों को आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद से 1025 ईस्वी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्रों में सोमनाथ मंदिर है। महमूद गजनवी द्वारा सबसे भयंकर और आक्रमणकारी आक्रमण जो किया था 1025 ईस्वी में ही किया था। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है महमूद गजनवी का। ये 1025 में आक्रमण करने के बाद सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से लूट लेता है और वहां के मंदिर को भी तोड़ देता है। तोड़ने के बाद वहां से सोने के लगभग 20 लाख दिनार संपत्ति को लूट करके अपने प्रदेश ले जाता है। महमूद गजनवी का सबसे अंतिम आक्रमण एवं 17वां जो आक्रमण हुआ था वो था 1027 ईस्वी में। ये जाटों के विरुद्ध हुआ था, इसे याद रखिएगा। जाटों लोगों ने क्या किया कि जब सोमनाथ मंदिर से महमूद गजनवी जब संपत्ति लूट कर ले जा रहा था, तो जाट ने इसका पीछा किया और बहुत सारे संपत्ति को उससे छीन लिया था। छीन करके उसे अपने देश में ही रख लिया। तो जाट द्वारा ही सबसे अंतिम इसका आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का। तो ये कुछ डेट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा भारत में सिंचाई। तो भारत में सिंचाई के बारे में देख लीजिए। भारत में सिंचाई का 3 परियोजना है, जैसे कि बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। ये क्या है इसे ध्यान से समझिए। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना, इसे ध्यान से समझिए। वैसी कृषि सिंचाई वाली भूमि जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक वाले भूमि को जब सिंचाई करते हैं उसे बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखते हैं, और जब 2000 से 10,000 के बीच जब भूमि सिंचाई वाली रखते हैं, भूमि को सिंचाई करते हैं, वो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं, और जब 2000 से कम कृषि भूमि को सिंचाई करते हैं तो उसे लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। इसे ध्यान में समझिए। भारत में जो सबसे ज्यादा कृषि भूमि को जो सिंचाई की जाती है वो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ही की जाती है। सबसे अधिक लगभग 63% भारत में भूमि सिंचाई लघु परियोजना के अंतर्गत ही, अब बृहद और मध्यम मिलाकर के कुल 37% भूमि ही सिंचाई की जाती है।
भारत में अगर देखें तो भारत का स्थान पूरे विश्व में सिंचाई के दृष्टिकोण से ये दूसरे स्थान पर आता है, जो कि पूरे विश्व का लगभग 20.2% लेकर के ये पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है भारत सिंचाई के मामले में। भारत पहले स्थान पर चीन है, पहला स्थान पर चीन है। चीन लगभग पूरे 21% पूरे विश्व का सिंचाई करता है, जो पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर भारत है। भारत में सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि कुआं, नलकूप, तालाब, नहर। अगर हम देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में सबसे अधिक नलकूपों का और कुआं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण बहुत ही आसानी से यहाँ पर नलकूप धसाया जा सकता है, जिसके कारण अगर देखें तो यूपी के क्षेत्र में, यूपी में सबसे अधिक नलकूपों का प्रयोग होता है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि यूपी में किस माध्यम से सिंचाई सबसे अधिक होता है, तो नलकूप के द्वारा। इसे याद रखें, नलकूप की सघनता यूपी में सबसे अधिक है। और अगर यही देखें तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में, तमिलनाडु में यानी प्रायद्वीपीय भारत जिसे कहते हैं, दक्षिणी भारत में, वहां पर सबसे अधिक तालाब के द्वारा सिंचाई किया जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पर पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां आसानी से नलकूपों का साधन नहीं हो पाता है। इसलिए वहां पर जो भी छोटे मोटे नहर और तालाब होते हैं उसी से दक्षिण भारत में सिंचाई किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं कि नहर, भारत में बहुत सारी सिंचाई के लिए नहर भी बनाए गए हैं, जैसे कि भारत के सबसे लंबा अगर नहर देखे सिंचाई के माध्यम से, सबसे अधिक जो सिंचाई करता है नहर, वो है इंदिरा गांधी नहर। इसे ध्यान से याद रखेंगे, इंदिरा गांधी नहर। इस नहर को पानी सतलज नदी द्वारा प्राप्त होता है, सतलज नदी द्वारा। भारत में और भी छोटे मोटे नहरें बनाई गई हैं सिंचाई के लिए, जैसे गिरना नहर, गिरना नदी पर ही बनाया गया है, ये गुजरात में। इसे याद रखिएगा, सॉरी महाराष्ट्र। और अगला है दमन गंगा नदी पर ही बनाया गया है, इसे गुजरात में। अगला है पंबा नदी पर ही बनाया गया है, केरल में। तो ये कुछ प्रमुख सिंचाई के लिए नहरें बनाए गए हैं जिसे आप ध्यान से याद रखेंगे। एक है टिहरी नहर को टिहरी बांध के ऊपर बनाया गया है, जो कि ये भागीरथी एवं अलकनंदा नदी, ये दो नदी जहां पर आकर के मिलती है, यहीं पर टिहरी बांध उत्तराखंड में है। टिहरी बांध ये उत्तराखंड में है। अब देखिए यहाँ पर टिहरी बांध है, टिहरी बांध से ही नहर को निकाला गया है, जो टिहरी नहर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो बांध बना है, यहीं पर बिजली भी उत्पादन करते हैं, तो इसे याद रखिएगा, टिहरी बांध सब लोग बहुत बिजली भी उत्पादन करते हैं। तो सिंचाई के बारे में इतना। अगला सवाल है हमारा विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। विमुद्रीकरण को इंग्लिश में हम लोग डिमोनेटाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे नोटबंदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए नोटबंदी क्यों करते हैं, अगर अपने देश में अगर काला धन बढ़ जाए, या फिर अपने देश में बाहरी कोई देश नकली नोट छाप करके बहुत सारे नकली नोट ला देता है, तो वैसी स्थिति में देश की जो मुद्रा होती है, जो देश की वित्तीय स्थिति होती है, वो खराब होने लगती है। ऐसी स्थिति में सरकार को नोटबंदी करना पड़ता है, जिससे कि काले धन समाप्त हो और जो नकली नोट आ गए हैं वो खत्म हो जाए। वैसी स्थिति में भारत सरकार अब तक कुल मिलाकर 3 बार नोटबंदी कर चुकी है। जब ब्रिटिश राज्य चलता था उस समय 1946 में पहली बार नोटबंदी किया गया था, दूसरी बार 1978 ईस्वी में किया गया था, और तीसरी बार 8 नवंबर 2016 में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसमें लगभग 500 और 1000 के नोटों को समाप्त कर दिया गया था। 500 नोट को बंद हटाने के बाद एक नया नोट लाया गया, जबकि 1000 नोट को पूरी तरीके से समाप्त करके इसके जगह पर 2000 रुपए का नोट लाया गया, जिस पर मंगलयान का चित्र छापा हुआ है। इसे याद रखिएगा, 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र छापा हुआ है, और 500 रुपए का जो नोट है ये नया बन करके तैयार हुआ था, 1000 पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। तो नोटबंदी के बारे में इतना, विमुद्रीकरण इसे ही कहते हैं। दूसरा है मुद्रा संकुचन क्या है, इसे ध्यान से समझिएगा कि अगर बाजार में उत्पादन कम हो जाए और वहां का
उत्पादन कम हो जाए, कीमत गिरने लगे, मंदी छाने लगे, इसके कारण बेरोजगारी देश में बढ़ने लगे, तो वैसी स्थिति को हम लोग मुद्रा संकुचन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में ध्यान से समझिएगा, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे भारत में लाया गया था। इसे मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। भारत में शुरुआती दौर में जब यह संविधान में जोड़ा जा रहा था तब मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, जिसे बाद में एक और जोड़ करके 11 कर दिया गया। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो है ये है कि किसी भी माता पिता को अपने बच्चे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य होगा। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसे ध्यान से समझिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। शुरुआती दिनों में 10 था, बाद में एक जोड़ करके इसे वर्तमान में 11 कर दिया गया। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया था। तो आपको इतनी याद रखनी है, वर्तमान में जो 11 मौलिक कर्तव्य है इस प्रकार है, हम बता रहे हैं, जैसे कि भारत देश की रक्षा करना, अपने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और अपने झंडा का सम्मान करना, जब भी राष्ट्रीय गान चले तो उस समय लोगों को खड़े हो जाना ताकि उन्हें सम्मान पूर्वक अपने देश को दर्शाएं। तो ऐसी ऐसी कुछ स्थितियां हैं जो आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। देश से संबंधित किसी भी सुरक्षा को मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा जाता है। अगला सवाल है न्यूटन के गति नियम क्या है। सन 1687 ईस्वी में न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी सबसे पहले पुस्तक प्रिंसिपिया पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले न्यूटन के गति नियम को दिया था, जिनमें 3 न्यूटन के गति नियम इन्होंने बताया कि 3 गति नियम हैं। वो तीनों गति नियम इस प्रकार हैं कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, अगर वो गति में है तो गति में रहना चाहेगी, तब तक वो नहीं रुकेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे। न्यूटन का प्रथम गति नियम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह है कि अगर कोई ट्रेन अचानक चलती है तो यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, और अगर ट्रेन चलने के बाद जब रुक जाती है तो यात्री का आगे की ओर झुकना, ये न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। तो ये हो गया। दूसरी न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही हमें बल का परिभाषा मिलता है, परिभाषा का प्राप्ति होती है। तो ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम एवं बल का इससे परिभाषा मिलती है। द्वितीय गति नियम क्या है। जब कोई वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर और उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, उसे न्यूटन के द्वितीय गति नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें बल का समीकरण प्राप्त होता है। देखिए, न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें बल का समीकरण हमें प्राप्त होता है। अब ध्यान से समझिए कि न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या था। न्यूटन का तीसरा गति नियम उसे कहते हैं कि कोई भी वस्तु के क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आप मान लीजिए कि अगर कोई आदमी है, जब अपने दीवार पर इसने चोट करेगा, प्रहार करेगा, तो जितना जोर से अगर आप दीवार पर मारिएगा उतना ही जोर से आपके हाथों पर भी चोट लगेगा। तो एक क्रिया आप कीजिएगा और आपके ऊपर जो उसके द्वारा किसी वस्तु के द्वारा प्रतिक्रिया दिया जाएगा उसे न्यूटन का तीसरा गति नियम कहते हैं। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा कि अगर कोई बंदूक जब चलाया जाता है तो जितनी वेग से, जितनी झटका से आगे की ओर गोली भागती है, उतना ही झटका से पीछे की ओर उसका बंदूक आता है। यही कारण है कि बंदूक चलाते समय
पीछे की ओर हाथ झटका मारता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति नाव से छलांग लगाता है नीचे की ओर, तो जिस वेग से नीचे की ओर छलांग लगाता है उसी प्रकार से नाव पीछे की ओर आता है। अगला देखें इसका तीसरे गति नियम पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जांपल के रूप में जाना जाता है वो ये है, हमेशा एग्जाम में इसे पूछा जाता है कि रॉकेट न्यूटन के किस सिद्धांत पर उड़ता है, तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे गति नियम के सिद्धांत पर उड़ता है। तीन मोस्ट इंपोर्टेंट इसे याद रखिएगा कि रॉकेट हमेशा न्यूटन के तीसरे गति नियम पर उड़ता है। रॉकेट के शुरुआती दिनों में जितने ही तेजी से जिस वेग से धुआं नीचे की ओर आता है उतनी ही वेग से हमेशा ऊपर की ओर रॉकेट भागता है। जितना वेग नीचे की ओर धुआं लगाएगा उतना ही वेग ऊपर की ओर रॉकेट भागेगा। इसे न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार हम लोग मानते हैं। जैसे पानी में तैरते हैं तो जितनी वेग से आगे की ओर हाथ चलाते हैं, जितना आगे से पानी टांगते हैं उतना ही हम लोग, जितना पानी को पीछे की ओर टांगते हैं उतना ही हम आगे की ओर भागते हैं। तो ये सभी के सभी न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। अगला सवाल है हमारा ईंधन। ईंधन क्या है, ईंधन के बारे में समझिएगा कि ईंधन, इसे हम लोग तीन प्रकार के ईंधन होते हैं, इसे समझिएगा तीन प्रकार के। एक होता है ठोस रूप में ईंधन, दूसरा होता है द्रव रूप में ईंधन और तीसरा होता है गैस रूप में ईंधन। ठोस रूप में आता है कोयला, कोयला कोक और एक होता है लकड़ी चारकोल, चारकोल। द्रव रूप में होता है, इसे देख लेंगे पेट्रोल, डीजल, डीजल और एक होता है केरोसिन, केरोसिन। गैस रूप में होता है एलपीजी, वाटर गैस, फिर होता है प्रोड्यूसर गैस और एक होता है गोबर गैस। इसे ध्यान से समझिएगा, एलपीजी को प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं। इसे ध्यान से समझिए, कोयला को जलाइएगा तो अंतिम रूप से कोक मिलेगा, लकड़ी को जलाइएगा तो अंतिम रूप से चारकोल मिलेगा। कोयला चार प्रकार का होता है, पहला एंथ्रासाइट, इसे ध्यान से समझिएगा एंथ्रासाइट, ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, इसमें लगभग 85% कार्बन की मात्रा होती है। वैसी कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो वो कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, उसमें धुआं और राख ना के बराबर मिलता है, जैसे कि एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला भारत में नहीं पाया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस, बिटुमिनस से ध्यान से समझिए, इसे हम लोग मुलायम कोयला के नाम से भी जानते हैं, मुलायम कोयला। इसमें लगभग 70% से 85% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। तीसरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट इसे ध्यान से समझ, इसे हम लोग भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, भूरा कोयला। इसमें 60% से 70% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। और चौथा है पीट, पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, इसमें लगभग 50% से 60% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। इसमें सबसे अधिक राख जलाने पर राख और धुआं सबसे अधिक निकलता है, धुआं और राख तभी निकलता है जब वैसा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम हो। देख रहे हैं इसमें 50% से 60% ही है। तो कोयला चार प्रकार के होते हैं, द्रव अवस्था में देखें तो अब आता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कैसे प्राप्त होते हैं, जमीन को खोदने के बाद नीचे से हमें एक द्रव रूप में पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोलियम को रिफाइनरी में ले जाने के बाद, रिफाइंड करने के बाद ही इसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन प्राप्त होता है। इसको रिफाइंड करने के बाद पेट्रोलियम को इसे सबसे उच्च कोटि में पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन प्राप्त होता है। पेट्रोल को देखें तो ये देखिए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डीजल को हम लोग सबसे भारी वाहन में प्रयोग करते हैं। भारी वाहन में, भारी वाहन को ढोने के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है और छोटे वाहन को ढोने के लिए, छोटी वाहन को ढोने के लिए पेट्रोल का प्रयोग करते हैं और ईंधन के रूप में जलाने के लिए, घर में खाना पकाने के लिए केरोसिन का प्रयोग करते हैं, चाहे डीजल चलाने के लिए केरोसिन का ईंधन के रूप में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, खाने पकाने के लिए, सबके रूप में। देखिए पेट्रोल की गुणता को अगर हम लोग नापने के लिए इसको ऑक्टेन संख्या द्वारा, इसे हम लोग ऑक्टेन संख्या द्वारा इसका गुणता को, पेट्रोल की गुणता को ऑक्टेन संख्या द्वारा हम लोग नापते हैं, ठीक है। पेट्रोल को जो शुद्धिकरण किया जाता है वो प्रभाजी आसवन द्वारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम पूछता है, प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोल की शुद्धता किया जाता है, यानी पेट्रोल की जो शुद्धिकरण करते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला है किसे गैस के रूप में, देखिए जो गैस के रूप में हम ईंधन प्राप्त होते हैं वो
प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस को ही हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं। एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसे सिलेंडर में भरा जाता है। जब यह सिलेंडर में भर जाता है तो यह द्रव रूप में होता है, और द्रव रूप में होने के बाद जब इसे सिलेंडर में भरने के बाद जब इस सिलेंडर से लीक करने लगता है गैस, तो लीक करने के बाद ये गंधहीन होता है, इसलिए इसे पता नहीं चलता है, इससे दुर्घटना होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। दुर्घटना ना हो इसलिए इसमें एक तत्व मिलाया जाता है जो सल्फर का यौगिक होता है, इसे हम लोग मिथाइल मरकैप्टन के नाम से जानते हैं। मिथाइल मरकैप्टन, मरकैप्टन इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है जो सल्फर का यौगिक होता है। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, इसे भी याद रखिएगा, ब्यूटेन प्रोपेन मिश्रण का, ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी। एलपीजी का पूरा फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। अगला जो है हमारा वाटर गैस, जिसे हम लोग जल गैस के नाम से जानते हैं। अगर इसे कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं तो जल गैस बनता है। एक होता है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस जिसे भाप अंगार गैस के नाम से जानते हैं। इसे कार्बन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन के साथ अगर संयोग करेंगे तो हमें भाप अंगार गैस मिल जाएगा, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। एक होता है गोबर गैस, तो गोबर गैस के बारे में ध्यान से समझिए। गोबर गैस को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उसके लिए एक टैंक बनाया जाता है। इस टैंक में गोबर को भरा जाता है, बहुत सारे जानवर का गोबर डालते हैं। यहाँ से एक पाइप निकाला जाता है जो आगे चल करके यहाँ पर स्टोव, जो हम लोग जलाने के लिए रखते हैं स्टोव, यहाँ पर गोबर क्या करता है, सड़ता है। सड़ने के बाद यहाँ से मीथेन गैस निकलती है जो इस पाइप के द्वारा आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ आने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन से संयोग करने के बाद ये जलने लगता है, जो खाना पकाने में काम आता है। और गोबर का जो अवशिष्ट पदार्थ जो यहाँ पर बच जाता है, इसे खेतों में खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये हो गया गोबर गैस के बारे में। तो हमेशा एग्जाम पूछा जाता है कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन, इसे हम लोग मीथेन कहते हैं, इसे याद रखिएगा। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। ईंधन हमारा समाप्त हो गया। अगला है कोष्टक, कोष्टक के बारे में समझिए क्या होता है। इसको इंग्लिश में चैम्बर कहते हैं। किसी भी जीव जंतु में हृदय होती है, हृदय कितने भागों में बटा हुआ है उसे हम लोग कोष्टक या चैम्बर के नाम से जानते हैं। तो समझिए, सबसे पहले देखिए मत्स्य, मत्स्य में दो चैम्बर होते हैं हृदय को। देखिए हृदय ऐसा होता नहीं है बना देने, तो मनुष्य में चार चैम्बर होते हैं, हृदय को चार भाग में बांटा जाता है। उसी प्रकार से सभी जीव जंतुओं को अलग अलग चैम्बर में बांटा गया है। मत्स्य यानी मत्स्य के अंतर्गत मछली आता है, जिसमें मछली में दो चैम्बर होते हैं, कोष्टक होते हैं। उसी प्रकार से उभयचर, उभयचर, उभयचर कहते हैं जो जल में और प्लस स्थल ये दोनों पर जो निवास करता है उसे उभयचर कहते हैं। इसमें तीन होते हैं, तीन कोष्टक होते हैं। इसके अंतर्गत मेंढक को रखा जाता है, मेंढक पानी में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है, इसे उभयचर कहते हैं। उसके बाद से फिर आते हैं स्तनधारी, स्तनधारी ये होता है चार कोष्टक का। फिर पक्षी, पक्षी भी होता है चार कोष्टक का। इसके बाद देखिए यहीं पर लिखते हैं, एक है सरीसृप, 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 सरीसृप का भी तीन कोष्टक होता है। इसके अंतर्गत सांप आता है, छिपकली आता है, छिपकली, सरीसृप उसे कहते हैं जो रेंगता है, रेंग रेंग के चलता है, उसे सरीसृप के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, मगरमच्छ इसे ध्यान से समझे। मगरमच्छ एक अपवाद है जिसकी कोष्टक चैम्बर चार होता है, बाकी सांप, छिपकली सभी रेंगने वाले का चैम्बर तीन होता है, उभयचर का तीन होता है, मत्स्य का दो होता है, स्तनधारी, स्तनधारी के अंतर्गत मनुष्य आता है। मनुष्य हो गया जो भी वैसा जीव जंतु जो अपने स्तन पान कराता है, बच्चों को दूध पिलाता है, उसे स्तनधारी कहते हैं। पक्षी वर्ग के जितने भी आते हैं, जितने पक्षी वो चार कोष्टक के होते हैं। उसके बाद से एकमात्र है जो 13 कोष्टक का होता है, वो होता है तेलचट्टा, इसे भी याद रखिएगा। तेलचट्टा में 13 कोष्टक पाए जाते हैं। तो चैम्बर के बारे में देख लिए। अगला हमारा सवाल है मानचित्र रेखाएं, ठीक है। मानचित्र रेखाएं के अंतर्गत देख लीजिए क्या क्या है। वैसी मानचित्र पर वैसी रेखा जिसे किसी खास चीजों को दर्शाता है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि समलवण, समलवण, वैसी मानचित्र पर वैसी रेखा जो समान रेखा पर लवण को दर्शाती है, इस रेखा में सिर्फ लवण ही पाया जाएगा, ठीक है। फिर समदाब, वैसी मानचित्र पर रेखा जहां पर समान रेखा में सिर्फ दाब को दर्शाता है।
फिर समवर्षा वैसी मानचित्र पर रेखा जो समान वर्षा को दर्शाता है, फिर समताप वैसी मानचित्र पर रेखा जो समान ताप को दर्शाता है। तो आपको अंतिम अक्षर जो है ना उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है। अगला है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, दो देशों के बीच जो सीमा बनाए जाते हैं उसका नाम दिया जाता है तो उसे ही अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। दो देश जब बंटवारा होता है तो विवादित होने के लिए, विवाद से बचने के लिए उसका सीमा निर्धारित कर दी जाती है, उसका नाम दिया जाता है। तो उसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसे लिखवा देते हैं, इसे याद रखिएगा। जैसे कि रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा जो भारत और पाक के बीच में है, भारत और पाक, पाक मतलब पाकिस्तान को लिखे हैं। फिर है डुरंड रेखा, इसे नोट करते जाइएगा, जितना लिखा रहे उसे नोट करते जाइएगा। पाक प्लस अफगानिस्तान, अफगान अफगान लिखे अफगानिस्तान को, पाक पाकिस्तान। उसके बाद से फिर है 38 डिग्री चैनल, ये है उत्तर कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया इन दोनों के बीच 38 डिग्री चैनल है। फिर 49 डिग्री चैनल, इसे अमेरिका यूएसए प्लस कनाडा, कनाडा इन दोनों देशों के बीच के रेखा को 49वीं डिग्री चैनल कहते हैं। उसके बाद है मैगिनोट, मैगिनोट ये है जर्मनी, जर्मनी प्लस फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस। उसके बाद है हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, पोलैंड। और एक है मिनरहीम, मिनरहीम इसे याद रखिएगा, यह है रूस और फिनलैंड के बीच, फिनलैंड, फिनलैंड के बीच। तो इतना आपको कम से कम याद रखना। एक है पाक जल संधि, पाक जल संधि, यह है भारत श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका, श्रीलंका। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है पाक जल संधि या पाक जल डब्ल्यू मार्ग या पाक स्ट्रीट, ये किस किन किन देशों को अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। तो इतना है, इसे जरूर लिख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अगला सबसे अंतिम है हमारा 10वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तो इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए इसके बारे में आज बताते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्त, हम इसमें 10 क्वेश्चन देते हैं जिसका हम पूरे फुल डिटेल में इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ये हमेशा हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी दरोगा या कोई भी रेलवे एसएससी बैंकिंग के क्वेश्चन में आते हैं। तो इसे हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप इसे जरूर देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आप जब तक लाइक नहीं करेंगे हमारा उत्साह नहीं बढ़ेगा, तो हम आगे ऐसे सीरीज नहीं ला पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिएगा। अंतिम है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसे ध्यान से समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सबसे पहले समझिए, यूएनओ इसे 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया था, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति होने के बाद रूजवेल्ट, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट द्वारा यूएनओ का गठन किया गया था, ताकि दोबारा कभी विश्व युद्ध ना हो, तीसरी विश्व युद्ध ना हो और पूरे विश्व में शांति स्थापित किया जाए। उसी के अंतर्गत यूएनओ का 6 अंग है, 6ठा अंग में से एक आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो यूएनओ का ही अंग है। इसका काम है पूरे विश्व में जो भी अगर कोई गलती होती है तो उसका सुनवाई इसी न्यायालय में होता है। तो चलिए अब हम यूएनओ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को देखते हैं। इसका स्थापना 3 अप्रैल 1946 को किया गया था नीदरलैंड के दहेग में, नीदरलैंड दहेग, नीदरलैंड के दहेग में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। और इसका इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं, 9 वर्षों के लिए। अब प्रत्येक 5 न्यायाधीश 3 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश ग्रहण करने का मतलब यह है कि रिटायर्ड हो जाते हैं, अवकाश को कहते हैं रिटायर्ड होना। तो 5 न्यायाधीश हमेशा 3 वर्षों पर रिटायर्ड हो जाते हैं, जिसमें से कोरम की संख्या 9 है। अब ये कोरम क्या है, ध्यान से समझिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उपस्थित होने की सबसे न्यूनतम जजों की संख्या 9 है। मान लीजिए, देखिए
15 न्यायाधीश हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में होंगे रहने वाले। अगर किसी भी दिन अगर 9 से कम जज अगर उपस्थित होंगे उस दिन कोर्ट नहीं चलेगा। कोर्ट खुलने के लिए कोर्ट चलने के लिए कम से कम 9 न्यायाधीश को उपस्थित होना जरूरी है। तो कोरम कहते हैं न्यायाधीशों की उपस्थिति के संख्या को दर्शाता है जो सबसे न्यूनतम होता है, इसे ध्यान में रखें। यह हो गया। इसके बाद भारतीय बहुत सारे ऐसे हैं जज हैं जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में काम कर चुके हैं। सबसे पहले जो भारतीय न्यायाधीश थे वो थे बेनेगल रामाराव। ये पहले भारतीय न्यायाधीश के रूप में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में काम कर चुके हैं पहले। और जो वर्तमान में वो है दलवीर भंडारी। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से इतना है कि 3 अप्रैल 1946 का गठन नीदरलैंड के दहेग में, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए, 5 न्यायाधीश 3 वर्ष पर रिटायर्ड होते हैं, कोरम की संख्या 9। पहले भारतीय जज हैं बेनेगल रामाराव, वर्तमान में दलवीर भंडारी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो संविधान है उसमें 5 अध्याय है, इसे भी नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 अध्याय है और 70 अनुच्छेद है। अनुच्छेद कहने का मतलब है आर्टिकल। भारतीय संविधान को कैसे बनाया गया है, 22 भाग में 395 अनुच्छेद में बांटा गया था, ठीक उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को संविधान को भी 5 भाग प्लस 70 अनुच्छेद में बांटा गया है। तो इसे देख लीजिए, जो लिखना है लिख लीजिए, अगर इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, चलिए आज के सीरीज हमारा एपिसोड 6 समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू।